नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आचार्य, इंस्पायर्ड ऑफ हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं Asus ROG Zephyrus GX701GXR के बारे में। तो दोस्तों, ये लैपटॉप जो है बड़ा ही हार्डकोर गेमिंग लैपटॉप है। उसके डिज़ाइन पे स्मजेस बड़ी तेज़ी से आ जाते हैं, बट बड़ा ही मस्त ब्रश्ड वाला स्टेनलेस स्टील टाइप का सा डिज़ाइन है इसका। और ये 17.3 इंच डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, बट काफ़ी हद तक इसका डिज़ाइन और बिल्ड छोटा सा है। और अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपको मिलता है एक HDMI स्लॉट, USB टाइप सी पोर्ट, USB पोर्ट नॉर्मल वाला, DC इन पोर्ट, 3.5mm कॉम्बो जैक, और इसके लिए हीट रिमूवल वाला जो वेंट होता है वो कैंसिंगटन लॉक स्लॉट है। इसमें अलग से एक और टाइप सी पोर्ट है, दो USB पोर्ट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और इसका जो USB पोर्ट है वो पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है 65 वॉट तक की। ओवरऑल जिस काइंड की परफॉर्मेंस पैक करता है उसके हिसाब से तो इसका बिल्ड और डिज़ाइन काफ़ी हद तक पतला दुबला सा है, और ये 2.6 किलोग्राम्स वे करता है। मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा ही रोबस्ट और प्यारा सा लगा, बट इसका जो ट्रैक पैड का डिज़ाइन है वो बड़ा ही छोटा सा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट नॉर्मल डे टू डे यूसेज के लिए वो काफ़ी हद तक ठीक है और इजीली उस पर जेस्चर्स वगैरह सब कुछ काम कर रहे थे। कीबोर्ड का एक्सपीरियंस मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, बिकॉज ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड नहीं लगा मुझे, और इस पर ज़्यादा देर तक टाइपिंग करने में हाथ थोड़े दर्द से कर रहे थे, बिकॉज नीचे पाम के लिए रेस्ट नहीं दे रखा उस पर, तो वो एक मुझे बुरी चीज़ लगी। बट इसमें पूरी तरीके से RGB सपोर्टेड है। ये 144 हर्ट्ज़ के 3 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम वाले फुली 100% sRGB सपोर्ट करने वाले डिस्प्ले पैनल के साथ आता है, जो कि बहुत ही कम और मिनिमल बेजल्स के साथ आता है। इसमें पर की RGB जो है वो सपोर्टेड है, और उसके अलावा ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी हद तक सही है। जो स्पीकर का आउटपुट है वो थोड़ा और लाउड हो सकता था, बेस तो काफ़ी हद तक उसमें अच्छा था, बट ट्रीबल मुझे थोड़ा सा कम लगा। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन सही है, और Asus के आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इंटेल कोर i7-9750H प्रोसेसर के साथ ये आता है, 6 कोर 12 थ्रेड, 32 GB तक की इसमें रैम है। और उसके अलावा आपको इसके अंदर NVIDIA का RTX 2080 Max Q डिज़ाइन वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि 8 GB GDDR6V मेमोरी के साथ आता है, तो काफ़ी हद तक शायद से सबसे बढ़िया और पावरफुल कॉम्बो है किसी भी लैपटॉप में। बेंचमार्क्स की भी अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारे अन्य मतलब CPUs के अगेंस्ट इसको कंपेयर कर, और ये पाया कि इसकी परफॉर्मेंस कहीं पे भी लैकिंग नहीं है। सिर्फ कभी कभी अगर जगह और आप बहुत लंबे टाइम तक इस पर कुछ लोड्स चलाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस जो है डाउन जा रही है थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से, अन्यथा लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़िया है। जो अंदर इसमें PCI Express 4 SSD दे रखी है उसकी रीड राइट स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एंड ओवरऑल मेरे को डिज़ाइन काफ़ी हद तक बढ़िया लगा। काफ़ी पतला दुबला गेमिंग लैपटॉप है, 17.3 इंच के डिस्प्ले के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है। अगर आप इस पर लंबे टाइम तक गेम्स भी खेलेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 1080p मैक्सड आउट सेटिंग्स पे भी आपको आराम से 150 से 180 FPS तक मिल जाएगा। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसी गेम्स पे, GTA 5 जैसी गेम पे भी सब कुछ मैक्स करके भी सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, एकदम कहीं पे मेरे को लैग या हिकअप नहीं दिखाई दे रहा था। कि हमने इस पे और भी बहुत सारी अन्य AAA टाइटल्स को टेस्ट किया और पाया कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही थी। PUBG वगैरह जैसी गेम्स भी इस पे आराम से चल रही थी, PUBG पे तो शार्पन फिल्टर को भी इनेबल कर रखा था, और बाकी सब एंटी अलाइजिंग वगैरह भी मैक्सड आउट था। जो RTX 2080 Max Q डिज़ाइन वाला है वो भी काफ़ी हद तक बढ़िया चलता है, और शायद से सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप्स में से एक है अभी जो मैंने टेस्ट करे हैं उनमें से। और सबसे अच्छी बात इस लैपटॉप की ये है कि काफ़ी हद तक पतला दुबला भी है इतनी सारी परफॉर्मेंस पैक करने के बाद भी। शैडो ऑफ द टूम रेड भी हमने इस पर खेली, असैसिन्स क्रीड ओडिसी भी खेली। ओडिसी इतनी हैवी गेम है कि वो किसी भी लैपटॉप को वैसे रुला देती है, बट इस पर काफ़ी हद तक बढ़िया चल रहा था, आराम से 60 से 80 FPS के बीच में मिल रहा था सब कुछ मैक्स आउट करके। फोर्टनाइट जैसी गेम में तो मतलब एक भी कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ मस्त लंबे टाइम तक खेला उसको, और कहीं पे भी मतलब लैग वगैरह नहीं देखने को मिला। उसके बाद एपेक्स लेजेंड्स भी खेली काफ़ी देर तक, और सब में ही FPS बहुत हद तक बढ़िया आ रहा था। मतलब अगर आपको सिर्फ एक मशीन चाहिए बहुत लंबे टाइम तक गेम्स खेलने के लिए बिना ज़्यादा थ्रॉटलिंग के, तो शायद से ये एक वो लैपटॉप है। इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन काफ़ी हद तक मुझे यूनिक लगा, और इसमें जो वॉल्यूम की है वो अलग से ही एक इन्होंने दे रखी है, बट यार दिक्कतें हैं इस लैपटॉप में। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका कीबोर्ड डिज़ाइन ऐसा है कि लंबे समय तक टाइपिंग करने पे हाथों में दर्द होगा। बाकी पीछे जो इन्होंने कूलिंग वेंट का डिज़ाइन दे रखा है वो बहुत हद तक बढ़िया है, ताकि अच्छे से एकदम कूलिंग हो सके, वो पूरी तरीके से हवा अंदर लेता है और मस्त तरीके से हवा बाहर निकालता है पीछे से और लेफ्ट और राइट साइड के वेंट से, तो लैपटॉप काफ़ी हद तक ठंडा रहता है और थर्मल थ्रॉटलिंग कभी नहीं होती। Asus वाले क्लेम करते हैं कि 4 आवर 35 मिनट तक की बैटरी लाइफ मिलेगी नॉर्मली, बट मुझे 3 आवर 40 मिनट तक की बैटरी लाइफ मिली, और जो नॉर्मल वाईफाई वगैरह ब्राउजिंग करते वक्त। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इसके अंदर इंटरनल वेबकैम नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल वेबकैम लगाना पड़ता है, तो वो एक दिक्कतों में से एक है। इसका प्राइस अभी ऑनलाइन चल रहा है 3 लाख रुपए के आसपास, और इस प्राइस पे मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ उन सभी लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चने को तैयार हैं बढ़िया तरीके से गेम्स खेलने के लिए, या फिर नॉर्मल एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दे रखी है। 4K गेम प्ले भी इस लैपटॉप के थ्रू संभव है काफ़ी हद तक,
बट वही है कि यार अगर आपको इतना पतला दुबला लैपटॉप चाहिए जिसमें सब कुछ हो सकता है तब आपको ये बाय करना चाहिए, अन्यथा मार्केट में बहुत सारे अन्य ऑप्शंस भी आज की डेट में अवेलेबल हैं और छोटी मोटी खामियां इसमें भी हैं ही हैं। तो सब कुछ देख के फिर एक चीज़ डिसाइड कीजिए। वैसे ऑल इन वन मशीन के मामले में काफ़ी हद तक बढ़िया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।